नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ, संजय सिंह। जी हां, आपको बता दें कि कल से ये नाम सुर्खियों में आ चुका है और अब आगे भी रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह, सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। जाने माने नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली आबकारी नीति के तहत ईडी ने ये एक्शन लिया है। और आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ये दूसरे शीर्ष नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का है। आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहना है कि इन्हीं की तर्ज पर जो भी हो रहा है वो किया जा रहा है, इन्हीं के हाथों में ईडी सीबीआई का कंट्रोल है। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है किस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्षी दलों पर करती हुई नजर आती रही है, और किस तरीके से यहां पर हमेशा से ही जो है विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम इन दोनों एजेंसियों के थ्रू यहां पर किया जाता रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि जब संजय सिंह के घर छापेमारी की गई, सुबह 7-7:30 बजे से वहां पर उनके घर पर छापेमारी शुरू की गई जो शाम तक चली। इस दौरान लंबी पूछताछ भी की गई उनके घर वालों से, संजय सिंह से, और आखिरी में शाम तक आते आते संजय सिंह की गिरफ्तारी का ऑर्डर सामने आ गया। आपको बता दें कि संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, जब ये खबर सामने आई और जब ये कहा गया कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद संजय सिंह का एक वीडियो सामने आया। संजय सिंह ने उसमें अपनी गिरफ्तारी को लेकर ये कहा कि मैं हमेशा से ही संसद के अंदर अडानी समूह को लेकर सवाल उठाता आया हूं, और अडानी समूह को लेकर ईडी से भी मैंने सवाल किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किए हैं, लेकिन मेरे इन्हीं तेवरों को देखते हुए मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते नजर आए हैं संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले, सुनिए जरा। जैन साथी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूँ, अपनी आवाज उठाता रहा हूँ। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जाँच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही थी। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है, ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो गई। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। जी हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हम क्रांतिकारी नेता है और हम दबने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला गई है, डर गई है, वो अपने विरोध में उठी है, आवाज़ को दबाना चाहती है, तानाशाही मॉडल यहाँ पर लागू हो चुका है, उसके तहत यहाँ पर संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी से पहले तमाम बातें करते नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों, मेरा आपसे एक ये सवाल है, जिस तरीके से हमने हमेशा से ये देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हमेशा विपक्षी दलों पर ही क्यों होता है, कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जो नेता हैं उन पर ऐसे कार्यवाही, उन पर ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। हमने देखा, एक तरफ रमेश भिदुड़ी संसद में खड़े होकर जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जाता, और वहीं संजय सिंह है जो अपने बैरक से निकलकर आगे जाकर जो है मणिपुर को लेकर स्पीकर से सवाल पूछते हैं तो उनकी सांसदी रद्द कर दी जाती है। क्या ये तानाशाह मॉडल नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने खिलाफ खड़े हर एक इंसान को, अपने खिलाफ खड़ी हर एक पार्टी और विपक्षी दलों को
खत्म कर देना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।